हाय एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वेरिएबल और कांस्टेंट में क्या क्या डिफरेंस होता है। ये एक बेसिक मैथ का टॉपिक है बिल्कुल, जो कि सभी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। तो जैसे कि आपको पता है, किसी भी इक्वेशन के अंदर कोई इक्वेशन होती है तो वो उस इक्वेशन के अंदर जो चीज़ होती है वेरिएबल होता है, और कुछ कोफिशियंट्स होते हैं जिन्हें हम कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं। यानी कि सपोज करते हैं, हम एक इक्वेशन लिखते हैं 2x+3y=7। तो इस इक्वेशन के अंदर, ये एक लीनियर इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर जो ये 2, 3 और ये जो 7 है, ये होते हैं कॉन्स्टेंट्स। और ये जो एक्स और वाई है, इन्हें बोलते हैं वेरिएबल्स। आप समझते हैं इन्हें वेरिएबल क्यों बोला जाता है? तो वेरिएबल का मतलब होता है ऐसे पैरामीटर्स जो जिनकी वैल्यू चेंज हो सके। पैरामीटर्स वुज वैल्यू कैन बी चेंज। यानी कि जिनकी वैल्यू वेरी हो सकती है, उन उन पैरामीटर्स को बोलते हैं वेरिएबल्स। तो ये जो एक्स वाई जेड या जो भी हम पी क्यू जो अज्यूम करते हैं किसी भी इक्वेशन के अंदर, उन्हें बोलते हैं वेरिएबल्स। और कॉन्स्टेंट वो पैरामीटर्स होते हैं, वो नंबर्स होते हैं जो फिक्स होते हैं। यानी कि इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, कॉन्स्टेंट होते हैं, फिक्स होते हैं, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। जैसे कि 7 एक कॉन्स्टेंट है, 10.4 एक कॉन्स्टेंट है, -2 एक कॉन्स्टेंट है, इनकी वैल्यू फिक्स है।